गूगल ट्रांसलेट इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर पर क्लिक करें और इसके अंदर यहाँ पर सर्च करें गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट टाइप करें और इसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेट आ गया। इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसको आप इंस्टॉल करें और इंस्टॉलेशन के बाद इसको ओपन करें। यहाँ पर इसका आइकन मौजूद है गूगल ट्रांसलेट, तो यहाँ से आप गूगल ट्रांसलेट ओपन कर सकते हैं। ये गूगल ट्रांसलेट ओपन हो गया। यहाँ पर आप इंग्लिश टाइप करें, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसका तर्जुमा आ गया, वो एक अच्छा स्टूडेंट तालिब इलम है। इसके अलावा ये तो इंग्लिश टाइप था, इसके अलावा हम हाथ से भी हैंड राइटिंग के जरिए से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हैंड राइटिंग करें खुद से अपने अंगूठे से लिखे ही, यहाँ पर लिख सकते हैं इज अ गुड स्टूडेंट। तो इस तरह हम अपने हाथ से लिखाई करते हैं स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल की टच के ऊपर लिखाई करते हैं। और यहाँ पर इसका इंग्लिश और उर्दू दोनों तर्जुमा आप देख सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग कर ले ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू। इसके अलावा एक पिक्चर है, पिक्चर से भी हम यानी हाथ लिखाई से भी हम इसका तर्जुमा करके, इस तरह पिक्चर से हाथ वाली लिखाई स्कैन करके भी आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि अब इसका स्कैनिंग शुरू है, ये स्कैन हो गया। सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करें और इसका तर्जुमा आप देख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन बुनियादी तौर पर वॉइस कैफे के लिए इस्तेमाल होता है। ये खुद इस टेक्स्ट को स्कैन कर दिया और इसका तर्जुमा भी कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर आप पिक्चर को भी स्कैन कर सकते हैं। जब आपके मोबाइल के अंदर पिक्चर हो उसको सेलेक्ट करें और इसको स्कैन करें। स्कैन के बाद इसका आप तर्जुमा देख सकते हैं। हमने उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट किया हुआ है कि इसका जो ट्रांसलेशन है तर्जुमा है वो उर्दू में किया करें। तो ये आप देख सकते हैं कि इंग्लिश टेक्स्ट से तर्जुमा हो गया। इसके अलावा बुक से आप इंग्लिश टेक्स्ट को भी आसानी के साथ स्कैन करके इसका तर्जुमा कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए से। तो ये आप देख सकते हैं, अब इसको मैं स्कैन कर रहा हूँ और स्कैनिंग के बाद इसका तर्जुमा भी आप देख सकते हैं। ये इंस्टेंट है, इंस्टेंट के अलावा यहाँ पर स्कैन पर क्लिक करें तो इसका स्कैन करने के बाद तर्जुमा आपके सामने पेश करेगा। इसके बाद सेलेक्ट आल क्लिक करें, सेलेक्ट आल के बाद अब इसका आप तर्जुमा आप देख सकते हैं। ये इंग्लिश है और इस इंग्लिश को आप स्पीक पर क्लिक करें तो इसको बोलेगा। इसके बाद उर्दू तर्जुमा आ गया, ये वही पैराग्राफ का उर्दू तर्जुमा है जो हमने स्कैन कर दिया एक बुक से।